मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिस रिवीजन पढ़ाई के नाम पे सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पास्ट ईयर पीवाईक्यूज करते हैं, पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं। अरे आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है, आपको न्यूमेरिकल कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? चलो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और 35 डेज वाला वीडियो है और इसमें मैं बात करने वाला हूं 3 मिस्टेक्स। जनरली मिस्टेक्स निकाले तो कम से कम 10, 15, 20, 50 भी निकल सकता है, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे जिसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। और मैं ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। कुछ कुछ वीडियोज होते हैं वो टॉप 1%, 2% के लिए होते हैं और कुछ वीडियोज होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये मैक्सिमम बच्चों को सूट करेगा और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया गया है। और इसका हेडिंग है 3 मिस्टेक्स जो नीट एस्पिरेंट कर रहे हैं। वो सारे बच्चे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 35 दिन जिनके पास है, वो क्या क्या इस टाइम मिस्टेक कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चल जाए ये जो उनको कर रहे हैं वो उनकी मिस्टेक है, तो मुझे लगता है कि वो उसको सुधार सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा, अगर चैनल को आप देख रहे हो तो 7 PM पे जो हमारा वीडियो आता है रोज, पिछले 2 महीने से आ रहा है, उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स आपके कवर मैंने कर रखे हैं, जो मिस्टेक्स हो सकती हैं, जो सजेशंस हो सकता है, हाउ टू इंप्रूव योर मार्क्स, हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी, क्या आपका नंबर कहीं पे आके रुक गया है, आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, फ्लक्चुएट कर रहा है, सारी चीजें मैंने कवर कर रखी हैं। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। छोटा वीडियो होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो 3 मिस्टेक्स मैं आपको आज बता रहा हूं। तो पहला उसमें से है, अपनी गलतियों को, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करिए, अपनी रियलिटी को, अपनी गलतियों को आप एक्सेप्ट करिए। अब गलतियों को एक्सेप्ट करना, आप बोलोगे तो करते ही हैं, टेस्ट में दिख जाता है। रियलिटी क्या है, आपको लगता है वो भी आप करते हो? मुझे लगता है 90% बच्चा नहीं करता है। रियलिटी यानी आप अपनी गलतियों को, यानी आप अपने एक्चुअल सिचुएशन को एक पेपर पे लिख चुके हो, यू नो द योर मिस्टेक्स, कहां कहां क्या क्या आपको नहीं आता, आप इल्यूजन में नहीं है, अपने आप को इल्यूजन में आपने नहीं रखा है। अगर आपको रोटेशनल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो आपको यह पता है, ग्रेविटेशनल चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं होते तो आपको पता है, ऑसिलेशंस के चैप्टर्स आपको नहीं होते तो आपको पता है, अगर केमिस्ट्री में सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस नहीं होते तो आपको पता है। अगर ये चीजें आपको पता हो गई तो 90% काम खत्म हो गया आपका। तो ये जो रियलिटी है वो लोगों को, लोग अपने आप को बताते नहीं है, यानी अपनी रियलिटी को, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो और आप उनकी लिस्ट बना लो, अभी भी आपके पास समय है, जो चैप्टर्स आपको नहीं आते। क्योंकि जो मैं तीसरा पॉइंट बताऊंगा आज, तीसरा मिस्टेक, वो पहले मिस्टेक से लिंक है। तो आप अपनी गलतियों को लिख लो और एकदम क्लियर डिफाइन कर दो कि क्या आपको पता है, क्या आपको नहीं पता है। अब आ जाते हैं सेकेंड मिस्टेक। जब आपसे टेस्ट पेपर नहीं होता ढंग से, जब आपके मार्क्स नहीं आते, एक दो टेस्ट तो आप अपने इंस्टीट्यूट कोचिंग में जाते हो टेस्ट देने, एंड आपको लगा कि आपके नंबर तो 200 आ गए, तो आप सारे टेस्ट से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हो और सारे पार्ट टेस्ट आप छोड़ देते हो और आप फुल लेंथ टेस्ट की तरफ दौड़ के जाते हो, कि सोचते हो चलो बीच में इतना 10 दिन का गैप है, 15 दिन का गैप है, इसमें हम पूरे सिलेबस को पढ़ लेंगे और फुल टेस्ट ठीक से देंगे, और ये ठीक कभी आता नहीं। पार्ट टेस्ट देने का पर्पज ही होता है आपके नॉलेज को और स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, डीपर करना, सो दैट आप फुल लेंथ टेस्ट में गलती ना करो। पार्ट टेस्ट बनाया ही इसलिए जाता है कि आप पूरे सिलेबस को थॉरो रिवाइज कर लो, और आपने, क्योंकि आपका पेपर खराब गया, क्योंकि आपको रिवीजन का समय नहीं मिला, यू हैव लेफ्ट दोज पेपर्स बिकॉज आपका पहला पेपर खराब गया, और आप अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट में बैठोगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, और मिस्टेक को जानते हुए भी कई बच्चे इस मिस्टेक को रिपीट करते हैं। हालांकि वो अपने आप को कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं मेरी तैयारी अभी ढंग से नहीं है, इस बीच में खूब पढ़ूंगा और मैं मॉक टेस्ट दूंगा, और मैं आपको बता दूं
प्लीज डोंट माइंड, आई नेवर विश कि ऐसा हो, बट मैक्सिमम बच्चों के मार्क टेस्ट में भी उतने ही नंबर आते हैं जितना उनके पहले एक पार्ट टेस्ट में आया था। सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आती है। रेदर वो बच्चा जो लगातार पार्ट टेस्ट दे रहा है 200-150 नंबर के साथ, वो जब मार्क तक पहुंचता है तो उसकी परफॉर्मेंस में काफी ग्रोथ आ जाती है, और जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा था वो जब मार्क तक पहुंचता है तो उसकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ नहीं आती। दिस इज रियली अ राइट सिचुएशन एंड रियलिटी जो मैं बता रहा हूं, आप देख लेना, क्योंकि जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो ऐसा होने वाला है 99% बच्चों के साथ, एकाध एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो वहां पे भी आप एक्सेप्शनली अगर अच्छा कर जाओ तो मैं चाहूंगा आप अच्छा कर जाओ, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। और जो तीसरा मिस्टेक है वो पहले मिस्टेक से जुड़ा हुआ है, और वो है मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिस रिवीजन पढ़ाई के नाम पे सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पास्ट ईयर PYQs करते हैं, PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस करते हैं। अरे आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है, आपको न्यूमेरिकल कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? यू मे सॉल्व 100 क्वेश्चंस ऑफ ए चैप्टर, यू मे सॉल्व 500 क्वेश्चंस ऑफ ए चैप्टर, बट कॉन्फिडेंस तो आएगा नहीं, सिर्फ रटोगे। एंड एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आउट ऑफ यू नो डायरेक्ट रिलेशन आ गया, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ गया, तो खत्म है आप, क्योंकि आप तो क्वेश्चंस रटे हो। तो ये मिसकंसेप्शन कि केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। पहली बात तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है तो किसी कीमत पे आप न्यूमेरिकल को अच्छे से नहीं कर सकते। 400-450 नंबर रट के ला सकते हो, खूब प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन आपको देखते आ जाए 400-450 नंबर स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें 600 से ऊपर 650 से ऊपर पढ़ना है तो थ्योरी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। पूरे नीट एक चैप्टर को रिवाइज करने में अगर अभी भी आप एक पूरा चैप्टर ऑफ फिजिक्स, एक पूरा चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, एक पूरा चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों मिला के अगर आप 5 से 8 घंटे के बीच में इसको रिवाइज कर लो थ्योरी, तो भी आपका टाइम मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है और आप अच्छा कर पाओगे। अब इसकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड मैंने बड़े सारे वीडियोस बना रखे हैं तो यहां पे मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन ये जो तीनों मिस्टेक्स हैं वो प्लीज आप मत करना। जो तीसरा है ना, आप सिर्फ न्यूमेरिकल करते हो, वो पहले से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि पहले में आपने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, आपको पता है कौन कौन से चैप्टर्स आपको नहीं आते, उसको पढ़ेंगे आप, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और पढ़ने के बहुत सारे सोर्स हैं इस टाइम, आपके अपने नोट्स बेस्ट सोर्स है, मैं बार बार बोलता हूं, फिर आपके अपने रेफरेंस बुक, और वर्स केस में कोई वीडियोस, और वो भी थोड़ा 1.5 के स्पीड से देख सकते हो, रिलायबल सोर्स से देख सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस यू नो डेज वीडियो जिसमें हम 7 बजे आते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अपने कमेंट्स आप बताना चाहते हो तो प्लीज बताओ, लाइक और सब्सक्राइब आप अगर कर दोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।